सायराम चिल्ड्रन, जैसा कि हम अभी अपने पोस्चर्स के बारे में सीख रहे हैं कि हमें कैसे खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए, हमें स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, ये हमने पिछले अध्याय में हमने जाना। अब हम जो बीमारियाँ इस पोस्चुलर डिफॉर्मिटीज की वजह से होती है, उसमें जो अगली बीमारी है वो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है? जैसे हम काइफोसिस में हमारे जो बैक है वो इस तरीके से निकल आती है ऊबर टाइप की, और लॉर्डोसिस में क्या होता है कि हमारी जो बैकबोन है वो इस तरीके से आगे की तरफ हो जाती है और हमारा पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। पेट आगे की तरफ निकलना, कंधों में आगे की तरफ झुकना, इससे क्या होता है कि हमारा जो वेट है बॉडी का वो हमारे पीछे की तरफ होने की वजह से हमारे बैक पर पेन होता है और हमारी हील में दर्द होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम होरो बैक प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये अत्यधिक मोटापा होने की वजह से और पेट की मसल्स अगर कमज़ोर हैं उसकी वजह से और हमारी लाइफ स्टाइल अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से ये हमको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को भी हम कैसे आसनों के माध्यम से अपने पोस्चर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं आज वो सीखेंगे। तो लॉर्डोसिस प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है, हमने काइफोसिस के लिए कौन सी की थी, बैकवर्ड बैंडिंग्स, और हम लॉर्डोसिस के लिए कौन सी करेंगे, फॉरवर्ड बैंडिंग्स। तो फॉरवर्ड बैंडिंग्स में सबसे पहले हम बैठ कर किए जाने वाले और लेट कर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लाएं और कोशिश करें सर को घुटने से श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इसी प्रकार लेट कर हलासन का अभ्यास करेंगे, लेट जाएं, धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और सर के पीछे धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी में हम कुछ खड़े होकर करेंगे आसन। इस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से खोलें और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट लेग से टच करें और हाथ को सीधा रखें। जब हम नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और वापस आएंगे श्वास भरते हुए। इसी प्रकार दूसरी ओर से